अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे फ्रूट कस्टर्ड। अभी रमज़ान भी आने वाला है, हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। देखो, हमने लिया है 1 लीटर कच्चा दूध, जिसमें हम पकाने वाले, उसमें ले लेंगे निकाल के। एक बाउल भी ले लेंगे और उसके अंदर हम वो कच्चा दूध निकाल के ले लेंगे, एक बाउल। देन उसके अंदर हम मिक्स करेंगे कस्टर्ड पाउडर, कोई भी आप फ्लेवर की ले सकते हैं, पता नहीं अलग अलग फ्लेवर के भी मिलती है, मैंने लिया है मैंगो फ्लेवर। देखो, हमने इसमें मिलाना है 1 से 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। इसको हम मिक्स करेंगे, अभी पूरी एक भी गुठली नहीं रहना चाहिए इसमें, पूरा अच्छे से मिक्स करना है इसको। मिक्स होने के बाद हमने इसको एक छन्नी के मदद से छान लेना है, ताकि इसमें कुछ कचरा 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 रहेगा तो निकले। देखो, हमने अभी गैस को ऑन किया है, गैस पर हम रखेंगे दूध का पतीला। दूध को अच्छे से एकदम स्लो गैस पे ही अपने को गरम करना है। कस्टर्ड पाउडर को भी देखो, हमने छान के लिया है ये दूध को, देखो एक भी गुठली नहीं रही है इसके अंदर। दूध को अच्छे से स्लो गैस पे ही गर्म होने देना है, और उसके ऊपर मलाई नहीं आना है, इसका ध्यान रखना है अपने को। बार बार अपने को हिलाना है, ताकि नीचे से उसका जले ना। देखो, दूध को भी थोड़ा थोड़ा बॉयल आने लगा है। A few moments later. दूध अच्छे से गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे शुगर, 7 से 8 चम्मच है ये। देखो, इसको भी स्लो गैस पे अपने को मेल्ट करना है थोड़ी देर। शुगर भी अपने मिक्स हो चुकी है, एक ऊपर से डालना है अपने को, वो जो घोल किया हुआ वो डालना है, और दूसरे हाथ से अपने को चम्मच हिलाना है, ताकि इसमें लम्स ना हो जाए। ये देखो, इस तरह से अपने को और भी कम से कम है ना 5 मिनट अपने को अच्छे से ऐसा चम्मच चलाते रहना है, ताकि ये नीचे से लगे ना। पाँच मिनट भी हो चुके हैं, अब गैस को करते हैं ऑफ, और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट प्रिपरेशन करके लेंगे, हमने लिया है एक एप्पल और एक अनार। अनार छील के लेना है, और अनार छीलने के बाद हम कट करेंगे एप्पल। अनार को कट करने का आसान तरीका मैंने शॉर्ट वीडियो में दे चुकी है, प्लीज़ चेक करना। और एप्पल का भी, एप्पल कैसा अपने को ये क्लीन करना है वो भी शॉर्ट वीडियो में दिखाया है। शॉर्ट वीडियो देखा नहीं है तो मैं कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, प्लीज़ चेक करना। एप्पल भी कट हो चुका है, उसके अंदर के सीड निकाल लिए हैं। कस्टर्ड भी अपना रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका है, अनार के बीज वॉश करके हमने उसमें ऐड करना है,
हम मिक्स करके साइड में रखना है, तभी तक हम एप्पल कट करके ले लेंगे। एकदम छोटे छोटे पीस कट करना है, देखो जैसा ही मैं वीडियो में दिखाई हूँ उस तरह से। और आपको एप्पल का छिलका पसंद नहीं है तो आप वो निकाल के भी कट कर सकते हो। एप्पल भी हमारे कट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। एंड उसके बाद हमने तुरंत ही अपने को कस्टर्ड में मिक्स करना है, क्योंकि पता है आपको कि वो काले पड़ जाते हैं, इसके लिए तुरंत ही उसके अंदर हम मिक्स करेंगे। एंड मिक्स करने के बाद हम रखेंगे 2 से 3 घंटा फ्रिज में, ताकि ये इसका और भी ठंडा हो जाए। आप आपके पसंद से कोई भी फ्रूट उसमें ऐड कर सकते हैं। डिश आउट करके ले लेते हैं। कमेंट में बताना कैसी लगी डिश। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंजॉय कीजिए और फैमिली को भी खिलाइए। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक लिया अल्लाह हाफिज़।